हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जोरिया एकेडमी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आज आप सभी लोगों को पता होगा कि आज 15 अगस्त है, तो सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। अब क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था और कुछ और टॉपिक्स को भी हमने वहाँ पर टच किया था, और ठीक उसी तरह आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और मौर्य काल से संबंधित जो सिक्के थे वो सभी इस क्लास में हम देखेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे टॉपिक देखिए, जैन धर्म के बारे में बताया गया है कि लगभग 2500 ईसा पूर्व जैन धर्म के 24वें अर्थात अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने अपने विचार का प्रसार किया। जो जैन धर्म था, इसके पहले जो तीर्थंकर थे जिन्होंने इस धर्म को शुरुआत करी थी वो थे ऋषभदेव। उसके बाद 24वें तीर्थंकर जो हैं वो हैं स्वामी, इनको महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है महावीर स्वामी। यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल से संबंधित थे, वहाँ के ये एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने चले गए थे। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया और इन्हें 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं, अगर मैं बात करूं 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई, जो जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वो गुजरात के वल्लभी नामक एक स्थान है, वहाँ पर लिखी गई थी। ठीक, नेक्स्ट पेज में देखिए, आप दिया गया है जैन शब्द का क्या अर्थ होता है। जैन शब्द जो है वे जिन शब्द से बना है, और जिन जो शब्द है इसका अर्थ होता है विजेता। ठीक, नेक्स्ट देखिए, पॉइंट में दिया गया है कि जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था शुरू करी थी। कौन कौन से आश्रम हुआ करते थे? तो चार प्रकार के आश्रम थे, जो कि जबालो उपनिषद में इसका जिक्र किया गया है। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा उसके बाद आता था गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, फोर्थ नंबर पॉइंट में दिया गया है कि महावीर स्वामी ने जो अपनी शिक्षा दी थी वो प्राकृत भाषा में दी थी, जबकि बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ा था उन्होंने अपनी शिक्षा पाली भाषा में दी थी। किन्होंने? तो महावीर गौतम बुद्ध ने। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखिए, दिया गया है संघ के बारे में बताया गया है कि महावीर तथा बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया था, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहा करते थे, ठीक, या रह सकते थे। संघ में रहने वालों के कुछ भिक्षु जो हुआ करते थे उनके कुछ नियम थे, और उन नियमों को विनय पिटक नामक एक ग्रंथ है उसमें लिखा गया है। ये जो ग्रंथ है इसमें संघ के बारे में बताया गया है, उनके जो भिक्षु हैं उनके नियमों के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, एक साम्राज्य, तो यहाँ पे बताया गया है कि हम जिन शेरों का चित्रण रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये जो शेर है आप देख रहे होंगे 10 रुपए के नोट पे, एक मिनट में कलर को चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो शेर है इसका जो इतिहास है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। क्या आगे बता रहा है कि इन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ये आप देख सकते हैं, ये अशोक का स्तंभ है, इसमें चार शेर हैं जो कि सारनाथ में इसको स्थापित किया था। किसने? तो अशोक ने इसे बनवाया था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा किन्होंने? गुप्त यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ठीक, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी।
वंश जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक वंश कहा जाता है। यानी आप राजा, उसके बाद आपका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। तो ये जो वंशानुक्रम की जो ये पद्धति जो चल रही है, इसे ही वंश कहा जाता है, यानी कि इसे शासनकाल। देखिए आप, नेक्स्ट दिया गया है कि मौर्य वंश, क्या मौर्य वंश में कौन कौन से राजा थे उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम जिक्र करते हैं। इस वंश में तीन महत्वपूर्ण राजा हुए थे। कौन कौन से? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। दूसरा उनका बेटा था बिंदुसार, ठीक। और बिंदुसार के बाद, बिंदुसार का जो लड़का हुआ वो था अशोक। अशोक के बारे में कहा जाता है कि जो अशोक था वो काफ़ी ज़्यादा कुरूप था, उसका जो चेहरा था वो कुरूप था। और इसी वजह से बिंदुसार जो है वो चाहता था कि मेरा दूसरा बेटा सुसेन जो है वो इस गद्दी पर बैठे, इसीलिए वो जो है नहीं चाहते थे बिंदुसार की अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य की राजा के रूप में उन्हें नहीं देखना चाहते थे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है अब कि मेगस्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्युकस निकेटर के राजदूत थे। जो मेगस्थनीज था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछी गई पुस्तक है कि मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए, तो आपको याद रखना है कि इसकी पुस्तक है इंडिका, ठीक। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है मौर्य साम्राज्य के बारे में, थोड़ा आगे देखते हैं क्या बात है कि मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण किया था। इन्होंने क्या किया कि चीन में अपने जो दीवार है, चीन की दीवार जो कि सबसे लंबी दीवार मानी जाती है, उसकी शुरुआत हो गई थी। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालन लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्ष तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यही दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। ये जो दीवार है ये 6400 यानी कि 6400 किलोमीटर लंबी है। हर 100 से 200 मीटर दूरी पर निगरानी करने के लिए बुर्ज बनाए गए थे, ठीक। नेक्स्ट देखिए दिया गया है अशोक के बारे में। सम्राट अशोक जिनको कहा जाता है, इनके बारे में बताया गया है कि अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। इनकी जो भाषा थी वो तो प्राकृत और जो लिपि थी वो ब्राह्मी कहलाती थी। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए दिया गया है कि धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। उसके बाद बताया गया है कि कलिंग जो है इसे उड़ीसा के नाम से जाना जाता था। कलिंग का जो उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है वो कलिंग हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अशोक बुद्ध के उपदेश से भी प्रेरित हुए थे और फिर उसके बाद इन्होंने उपगुप्त थे, उन्होंने इन्हें शिक्षा दी और फिर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने धम्म के प्रचार और उसके प्रसार के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में राजदूत यानी दूत जो है वो भेजे थे। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि गांवों में रहने वाले लोग तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला और साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास कडेसियार और आदिमाई कहलाते थे। हालांकि आप जब उत्तर भारत में देखेंगे तो गांव का जो प्रधान होता है उसे ग्राम प्रधान के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो तमिल क्षेत्र है दक्षिण भारत का, यहाँ पर गांव के जो प्रधान व्यक्ति हैं उन्हें ग्राम भोजक कहा जाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था, ठीक। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गणपति कहते थे। इन्हें क्या कहते थे? इन्हें गणपति कहा जाता था, ठीक। यहाँ पर दिया गया है कि जातक वे कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया। जातक में
प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ एक नाविक तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। जो जातक कथाएं थी इसमें प्राचीन शहरों के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ जो यात्री थे उनके विवरणों से, यात्रियों के विवरण से ये पता चलता है उस समय के जो इतिहास था, उस समय के लोग किस प्रकार से रहा करते थे, घर किस प्रकार से थे, और मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।